हेलो फ्रेंड, क्या आप गर्लफ्रेंड का कॉल हिस्ट्री जानना चाहते हो? किससे बातें कर रहा है, कितने देर बातें कर रहा है? या आप घर में किसी का कॉल हिस्ट्री जानना चाहते हो किससे बातें कर रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप अपने फोन में एक सेटिंग को ऑन करके रख दो, आप घर बैठे ही कॉल हिस्ट्री को देख सकते हो। ये ट्रिक फ्रेंड किसी भी सिम में काम करने। जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीतीश ना टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड, अभी तक मेरे चैनल पर नए तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। यहां पर जो आप लोग सब्सक्राइब कर दिखा पता है उसको दबा दें और बेल आइकन भी आएगा फ्रेंड उसको भी दबा दें। मुझे उम्मीद आप लोग सब्सक्राइब करके रख दें। चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो को आगे बढ़ा दूँ बिना देर के भी। मैं आप लोग को एक एक स्टेप बताने वाला हूं। आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, ये वीडियो आप लोग गलत यूज मत करना फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो को आगे बढ़ा दूँ बिना देर के। हेलो फ्रेंड, पहले आप लोग को मैं जियो में बताता हूँ, उसके बाद मैं एयरटेल में बताने वाला। आपको क्या करना है फ्रेंड, आप लोग जिस किसी का भी आप लोग फोन में अपने फोन में कॉल हिस्ट्री को देखना चाहते हो, सिर्फ आप लोग एक मिनट के लिए फ़ोन लेना है, सिर्फ एक मिनट के लिए फ़ोन लेना है और हमेशा के लिए आप अपने फ़ोन में देख सकते हो। कभी भी डिलीट नहीं होगा, आप लोग हमेशा के लिए आप लोग देख सकते हो अपने फ़ोन में, जब भी मर्जी होगा जब देख सकते हो, डिलीट कभी नहीं होने वाला है। आप लोग को सिर्फ़ एक सेटिंग को ऑन करना होगा। मतलब अगर क्या करता है फ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड किसी से बात करके नंबर को डिलीट कर देता है, तब फिर भी आप अपने फ़ोन में देख सकते हो किससे बातें कर रहा है, आप लोग देख सकते हो कितने देर बातें कर रहा है, सारा कुछ देख सकते हो। आपको क्या करना हो, जियो एप्लीकेशन को ओपन करना हो। तो यहाँ चलिए आप लोग को माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना हो। ओपन करने में आप लोग सिर्फ एक बार लॉग इन करना होगा, कैसे ही आप लोग को लॉग इन करना और हमेशा के लिए आपके फ़ोन में रह जाएगा। अगर आप लोग इसको माई जियो को डिलीट भी कर दो तो तब फिर भी वो, मतलब जब लॉग इन करोगे तो आई डी को यहाँ पर स्विच अकाउंट करके रख देना, ठीक है। आप लोग यहाँ से जब भी लॉग इन करोगे तो बार बार ओ टी पी नहीं मांगेगा, एक बार ही ओ टी पी आप लोग को मांगेगा, बार बार ये ओ टी पी नहीं मांगने वाला। लेकिन फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को गलत यूज मत करना, ठीक है। ओके फ्रेंड, यहाँ चलिए मैं इसको अलाउ कर दूँ। ओके, मैं आप लोग यहाँ पे मोबाइल पे जो ऑप्शन है, ठीक है, आप लोग जो यहाँ पे मोबाइल लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ फर्स्ट में आप लोग यहाँ जो मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आप लोग मोबाइल पर क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने में आप लोग देखिए यहाँ पे स्विच अकाउंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये आपका लॉग इन ही रहेगा, ठीक है। इस नंबर पर जब भी लॉग इन करोगे सारा अकाउंट, जब भी जितना आप लोग स्विच किए होते अकाउंट, सारा अकाउंट आ जाएगा, बिना ओ टी पी का आप लोग आ जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे स्विच अकाउंट पर क्लिक करना, स्विच अकाउंट पे क्लिक करने में आप लोग यहाँ पे लिंक न्यू अकाउंट, ठीक है, आप लोग लिंक करना होगा, ठीक है। आप लोग जब इस नंबर से आप लोग लिंक करना, ठीक है, आप लोग को इसी नंबर पे ओटीपी मांगेगा, ठीक है। आप लोग जितना भी लिंक करके रखेंगे उस पर ओटीपी नहीं मांगे, ठीक है, बार बार उस पर ओटीपी नहीं मांगेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिंक करना, ठीक है। आप लोग लिंक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल का जो ऑप्शन है, ठीक है, आप लोग फर्स्ट में सिम कार्ड का जो ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने में आप लोग जिस किसी का भी लिंक करना चाहते हो यहाँ पे आप लोग उसका नंबर को डायल करना, ठीक है। यहाँ से फिर नंबर को मैं डायल कर देता हूँ। आप लोग को मैं एयरटेल में भी बताने वाला हूँ कैसा एयरटेल में यूज़ कर सकते हो। पहले आप लोग को जियो में बताने वाला, ठीक है, आप लोग जियो में आप लोग को नंबर को डायल करना हो, जिसका भी आप लोग जानना चाहते हो, यहाँ पर आप लोग जियो में इंटर कर देना नंबर, ठीक है। आप लोग यहाँ से चलिए फिर मैं इंटर करता हूँ नंबर। ओके फिर यहाँ से मैं इंटर करता हूँ, आप लोग को भी इंटर करके रख देना है। आप लोगों को गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आप लोग को ओटीपी की पे क्लिक कर देना। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप लोग को यहाँ पे ओटीपी मांगेगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ एक बार ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना होगा। चलिए फ्रेंड यहाँ से मैं ओटीपी को इंटर कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड स्विच अकाउंट में ओटीपी को डालने के बाद आप लोग यहाँ पे दो दो अकाउंट आ चुका, ठीक है। आप लोग अकाउंट आने के बाद आप लोग जिसका भी यहाँ पे देखना चाहते हो, जैसे फ्रेंड मैं इसका देखना चाहता हूँ, यहाँ से आप लोग को इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं ये ऐड हो चुका, ठीक है, ये ऐड हो चुका है, मैं इसमें दो दो अकाउंट को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पे चेक का जो ऑप्शन है, ठीक है, आप लोग चेक का जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आप लोग इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करने फिर आप लोग, मतलब आपका गर्लफ्रेंड बात करके भी डिलीट कर देता नंबर, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आप लोग को यहाँ से देखना होगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ से आप लोग जैसे कॉल पे जाना हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे कॉल पे जाना हो, यहाँ पे देख सकते हो किससे बातें कर रहा है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे टू डे का जो दिखाई पड़ेगा, ठीक है, आप जिसका अगर ये डिलीट भी कर देता नंबर आपका यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ से डिलीट नहीं हो सकता है, यहाँ से ये डिलीट नंबर नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता यहाँ डिलीट। आप लोग यहाँ से देख सकते हो कितने देर ये बातें किया, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग यस डे का भी देख सकते हो, ठीक है, और सारा कुछ आप लोग महीने का कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हो यहाँ से, महीने का। जैसे आप लोग जैसे एसएमएस भी, मतलब यदि एसएमएस करके डिलीट कर देता है तो फिर भी आप लोग यहाँ पे एसएमएस पे क्लिक करना, एसएमएस किसी का नहीं किया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप लोग यहाँ से भी एसएमएस को देख सकते हो। ओके फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हो। अगर आप लोग महीने का कॉल हिस्ट्री को निकालना हुआ, ठीक है, आप लोग इस पर क्लिक करो, यहाँ पर जो होती यहाँ पर जो ऑप्शन है, ठीक है, आप लोग जैसे यहाँ पे 30 दिन का कॉल हिस्ट्री को निकाल सकते हो। और यहाँ पर आप लोग को ईमेल आई डी देना होगा, ठीक है। ईमेल आई डी देने के बाद आप लोग जैसे मैं ये भी दिखा देता हूँ आप लोग को, यहाँ पर ईमेल आई डी इंटर करना हो, ईमेल आई डी इंटर करने में आप लोग यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दबा देना, सीधा 3-1 महीने का आप लोगों को कॉल हिस्ट्री आ जाएगा, किससे किससे बातें किया, कितने देर बातें किया, किससे मैसेज किया, सारा कुछ यहाँ से
निकाल सकते हो। चलो के फ्रेंड, आप लोगों को आना होगा एयरटेल में, आप लोग इतना सा काम कर सकते हो। आप लोग को आना होगा एयरटेल में, यहाँ से ले फ्रेंड मैं एयरटेल को ओपन करता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड, एयरटेल में ही सेम प्रोसेसर है, आप लोग को मैं दिखाने वाला, ठीक है। आप लोग एयरटेल में कैसे देख सकते हो, आप लोग को एयरटेल को ओपन करना होगा, ठीक है। आप लोग एयरटेल एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओके फ्रेंड, यहाँ से एयरटेल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग भी यहाँ से स्विच अकाउंट करना होगा। आप लोग को फ्रेंड यहाँ पे आने वाले फ्रेंड कोने पर जो प्रोफाइल का जो ऑप्शन है, आप लोग को प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। आप लोग यहाँ पे भी सेम प्रोसेसर को आप लोग कंप्लीट करना होगा। पहले आप लोग देख ले वीडियो को, ठीक है। ओके फ्रेंड, आप लोग देख ले वीडियो का, आधा मत छोड़ देना, ठीक है। आप लोग प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे माई सर्वर का जो ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एयरटेल का जो ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग आना, यहाँ पे आने और फिर आप लोग यहाँ पे प्लस का जो आइकन दिखाई पड़ रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ से फ्रेंड प्लस पे क्लिक करता हूँ। प्लस पे क्लिक करने आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे मोबाइल नंबर को इंटर करना होगा, यहाँ से भी आप लोग को स्विच अकाउंट कर देना है। आप लोग भी यहाँ से बार बार नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार, सिर्फ आप लोग एक बार यहाँ से ओटीपी को लेना होगा कैसे ही, और यहाँ पे इंटर करना है। जैसे यहाँ से आप लोग को फ़ोन नंबर कर देना है, ठीक है। डालना होगा फोन नंबर, फोन नंबर डालने के बाद फ्रेंड जैसे यहाँ से आप लोग फ़ोन नंबर डालते हो, आप लोग यहाँ पे फोन नंबर डालने के बाद ओटीपी को मंगाना हो, ठीक है ना। ओटीपी को मांगने के बाद, ठीक है, आप लोग कैसे देख सकते हो, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। कि इसमें दो दो स्विच अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जितना इसमें कर सकते हो उतना भी, माई जियो भी आप लोग जितना स्विच अकाउंट करके देख सकते हो उतना वहाँ पर आप लोग हो जाएगा। आप लोग सिर्फ एक बार कर लेना और हमेशा क्लियर आ जाएगा आपके फोन में, ठीक है। ओके फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पे बैक आना, ठीक है। मतलब बैक ना आप लोग कर लीजिए, ठीक है, स्विच अकाउंट कर लें, ठीक है। आप लोग मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ से कॉल हिस्ट्री, ठीक है। ओके फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे कॉल मैसेज का जो ऑप्शन है आप लोग को इस पर क्लिक करना, क्लिक करने और फिर आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो कॉल हिस्ट्री, किससे किससे बातें किया, आप लोग यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हो, ठीक है। ये टुडे का है, सारा कुछ यहाँ से निकाल सकते हो, कॉल हिस्ट्री को यहाँ पे सारा कुछ यहाँ से मालूम कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ से भी आप लोग मालूम कर सकते हो कॉल हिस्ट्री, किससे किससे बातें किया। जय हिंद दोस्तों, हेलो फ्रेंड, मुझे उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जो आप लोग सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है उसको दबा दें, और बेल आइकन के भी आएगा, ठीक है, उसको भी क्लिक कर देना। फ्रेंड मुझे उम्मीद आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और एक पहले से कॉमेंट भी करें, कॉमेंट नहीं करते आप लोग कॉमेंट जरूर करें, ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कॉमेंट जरूर करना। मुझे उम्मीद आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे और कॉमेंट भी कर लें, लेकिन फ्रेंड ये वीडियो को गलत यूज मत करना, आप लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, और गलत यूज़ मत करना। मुझे उम्मीद आप लोग गलत यूज नहीं करोगे, ठीक है। ओके फ्रेंड, और आप लोग घर में देख सकते हो किसका किसका क्वालिटी को देखना चाहते हो देख सकते हो। मुझे उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छा ही लगा, आप लोग सब्सक्राइब भी करके रख देंगे और कॉमेंट भी कर देंगे। मुझे उम्मीद आप लोग सब्सक्राइब कर दें, कॉमेंट कर दें, सब्सक्राइब करने के लिए कॉमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच फ्रेंड, दिल से। जय हिंद।